कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने आज रीवा की मॉडल रोड रथहरा से चुराहटा की दुर्दशा को लेकर सामान तिराहे से रैली निकाली और सिरमौर चौराहे में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कविता पांडे ने कहा कि रथहरा से चुराहटा मार्ग का विगत 15 वर्षों में 14 बार टेंडर होने के बावजूद भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। खोदो बनाओ की नीति में नेताओं ने अपनी जेब गर्म की है, लेकिन इसके कारण कई लोग दमा और अन्य बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये निर्माण कार्य जल्दी ही पूरा कराया जाए, साथ ही इसके प्रदूषण से जितने लोग बीमार हुए हैं उन्हें इलाज के लिए पैसे दिए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि इस निर्माण कार्य के कारण विगत 15 वर्षों से लोगों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। सामान से पीटीएस मालवीय को एक माह के लिए बंद करना था, जिसे बंद किए 3 माह हो चुके हैं। व्यापारी को किराया निकालने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। ऐसे में यदि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराकर मॉडल रोड को व्यवस्थित नहीं किया गया तो आंदोलन विकराल रूप लेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। रीवा से शैलन तिवारी की रिपोर्ट। विगत 15 वर्षों से रतहरा से चौराहटा मार्ग जो मॉडल रोड है हमारे रीवा शहर का, उसमें काम चल रहा है। आज तक उसका काम कभी समाप्ति नहीं हुआ, आपने भी देखा होगा। दूसरे शहर में जब सड़क बनती है तो एक गड्ढा होता है, उसके अंदर से यहाँ खोल कर रहे हैं। 8-8, 9-9 महीना से गड्ढे बड़े बड़े हुए हैं, लोग बर्बाद हो गए, व्यापारी भूखो मरने की स्थिति में आ गए हैं, पानी तक नहीं डला जाता। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो सड़क जैसे पीटीएस से फूलमती माता मंदिर आपने बंद करके रखी है, उसमें जो व्यापारी काम धंधा कर रहे हैं उनको 50,000 रुपये महीने का कंपनसेशन दिया जाए। दूसरा, दमा और अस्थमा जिनको हो गया उनकी जाँच कराई जाए, धूल के कारण लोग मर रहे हैं, उनकी जाँच कराई जाए, उनका इलाज कराया जाए और इस सड़क को अविलंब बनाया जाए ताकि महिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रीमती कविता पांडे जी के द्वारा 7 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है। ये जो ज्ञापन है, ये ज्ञापन रतहरा से लेकर चौराहटा तक की जो रोड बन रही है उसी रोड को लेकर के है। जो रोड निर्माणाधीन है अभी, उसी के जल्दी कार्य हो जाए, जल्दी से जल्दी काम होगा पूरा हो सके और जनता को इसका लाभ मिल सके, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पर। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया, कलेक्टर सर के समक्ष रख दिया जाएगा। ये रतहरा से चौराहटा तक जो रोड, ये मॉडल रोड बन रही है, इसमें इतना गोलमाल हुआ है। 2003 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो 14 बार लगातार टेंडर हुआ, लेकिन आज तक इस रोड को चलने लायक नहीं बनाया गया। और इसमें कई ठेकेदार जो रोड नाली, छोटी छोटी रोड नालियों का काम करते थे, वो अरबपति हो गए, लेकिन ये रोड अभी तक चलने लायक नहीं बनी। इसमें बहुत पूरी तरह से रीवा विधायक का इस ठेका में हाथ है और उन्हीं के जो 4 लोग उनकी टीम के हैं वही इसमें कमा खा रहे हैं। रीवा की जनता की समस्याओं को कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए आज हम लोग सब ये प्रशासन को नींद से जगाने के लिए रतहरा ये समान तिराहा से लेकर और सिरमौर चौराहा तक पैदल मार्च किए हैं कि आने वाले विगत दिनों में तुरंत इस रोड को रीवा की जनता को चलने लायक बनाया जाए। अगर ये सब नहीं किया जाता है तो हम लोग सब उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अशोक पटेल, झब्बू।